नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने बच्चों को लेके बनाया है क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, फिर भी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कहाँ बैठ के पढ़ाई करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा क्रिस्टल पहने, जिससे कि हम बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएं, अच्छे मार्क्स ला पाएं, अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए कौन से ग्रह हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए, हमें अच्छे से पढ़ाई हमारी हो, हमें विद्या का वरदान मिले, इसके लिए बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे सबसे पहले गणपति जी की उपासना। गणपति जी का अगर कोई भी मंत्र, आप छोटा सा भी मंत्र करते हैं, तो आपको विद्या जो होती है ना, वो बहुत इजीली मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा, विद्या की देवी हमारी सरस्वती माँ, ये जो है, इनके मंत्र अगर आप करते हैं तो भी आपको विद्या का वरदान मिलता है। जो हमारे गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी के मंत्र, जैसे मैंने बोला, वो तो कहते ही है ना कि विद्या विद्यादायक बोलते नहीं है, और विद्यावासिनी बोलते हैं सरस्वती जी को। तो इनके मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो बुधवार के दिन, मतलब बुध जो ग्रह होता है वो होता है बुद्धि और वाणी का कारक। तो बुधवार के दिन अगर हम बुध के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो भी हमें विद्या का वरदान मिलता है, हमारी बुद्धि तेज होती है। इसके सिवा जो बातें हमें ध्यान रखनी है, स्पेशली बच्चे, कई बार होता है कि अनबने से होकर अपनी मम्मी के साथ मिसबिहेव करना, पापा के साथ मिसबिहेव करना, खास तौर पे मम्मियों के साथ बच्चे कई बार इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि मम्मी को कुछ भी बोल दिया। तो वो आज से ही ये बात समझ लें कि माँ जो होती है वो आपकी लाइफ में आपका चंद्रमा होती है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, जो कि होता है मन का कारक। चंद्रमा अगर हमारा बिगड़ जाता है, अगर हम अपनी माँ के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो हम कभी भी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सूर्य यानी कि हमारे फादर, सूर्य से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने फादर को। अगर हमारा सूर्य बिगड़ जाता है तो हम कभी भी जो काम करते हैं उसमें हमारी नेम फेम हमें नहीं मिलती। तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। जो लोग, जो बच्चे भी नॉनवेज खाते हैं, वो कृपया करके वेनसडे और थर्सडे के लिए नॉनवेज को स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना खाएं। वैसे तो चलिए, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। और इसके सिवा जो चीजें हैं, आप अपनी सभी कॉपीज पे नंबर 2 लिख सकते हैं। ये बहुत ही बहुत बड़ा, कहते ना क्या बोलूं मैं, जादुई इलाज है कि कहीं भी अपनी कॉपीज पे नंबर 2 लिख लीजिए, आप उसमें बहुत बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज होती है आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, जिससे कि जो पढ़ाई आप करें आप तो तुरंत आप उसको ग्रहण कर लें। तो देखिए, हमारे घर में वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी 3 या 4 डायरेक्शन है जहां बैठ के आप पढ़ सकते हैं, और ऐसी 3 या 4 डायरेक्शन है जहां बैठ के आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वही मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। पढ़ाई करने के लिए जो बेस्टेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जहां हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और जो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, आपको सेंटर में खड़े होकर कंपास स्टार्ट करके देखना है कि आपका वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है। उसके बिल्कुल बीच में एक दिशा होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, उस एरिया में आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आप फेस कर सकते हैं, और आपको उस एरिया में बैठ के पढ़ाई करनी है। या फिर अपनी बुक्स भी कुछ वहां रख देनी है, लाइब्रेरी वहां बना सकते हैं, आप जो अपनी पढ़ाई की किताबें हैं वो वहां पर रख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं ना, तुरंत आप उसको ग्रेस्प कर लेंगे, तुरंत आप उसको याद कर पाएंगे। इसके बाद जो सेकंड दिशा है वो होती है ईस्ट। अगर आप स्पेसिफिकली ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करें, फेसिंग भी आपका ईस्ट ही रहे या नॉर्थ ईस्ट रहे, तो भी आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। इसके सिवा और जो दिशा है जहां बैठ के पढ़ सकते हैं वो है नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट में भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, वेस्ट में भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप साउथ वेस्ट में भी, जैसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से पहले साउथ वेस्ट आ जाता है, वहां पर भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जरूर जरूर कामयाबी मिलेगी और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बेटर होगा। अब जो दिशाएं हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है पढ़ाई के लिए, वो दिशाएं हैं एक साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट के जस्ट पहले एक दिशा आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जिसे हम डिस्पोजल जोन कहते हैं। ना तो आपको अपनी कोई भी बुक्स यहाँ पर रखनी है और ना ही यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है, इस बात का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है। दूसरी जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा आती है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठ के भी आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और
जो उसके बाद दिशा आती है वो है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये चार डायरेक्शन जो मैंने आपको बताया इनको आपको टोटली अवॉइड करना है। जो दिशाएं मैंने आपको बताई हैं अगर आप वहां बैठ के नहीं भी पढ़ सकते हैं तो भी आपको इन दिशाओं को टोटली अवॉइड करना है। तो ये हुए वो डायरेक्शंस जहां आपको बैठ के पढ़ना है। सुबह सुबह उठ, अगर आप उठ के पढ़ पाए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि प्रकृति की जो एक शक्ति हमारे साथ होती है सुबह जब हम उठते हैं जल्दी और पढ़ते हैं तो वो जो एक साथ हमें मिलता है वो कहीं से भी नहीं मिलता। पर अगर आप रात को भी पढ़ाई कर पाते हैं तो इट्स ओके। पर सुबह उठ के जो मैंने बताया आपको गणपति जी का मंत्र, कोई भी मंत्र, ओम गणेशाय नमः ही बोल लीजिए। अगर आप 51 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितना आप बोल सकते हैं, जितना टाइम आपके पास है, ओम गण गणपते नमः का जाप आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सरस्वती जी के मंत्र की, तो सरस्वती जी का मंत्र मैं इसमें दे दिया है, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्रीम श्री मैं वाग्वादिनी भगवती अहरन्मुख निवासिनी सरस्वती ममास्य प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा एवं नमः। ओम सरस्वते विद्मे ब्रह्मपुत्रे धीमे तन्नो देवी प्रचोदयात्। चाहे तो आप हमारी वेबसाइट से सरस्वती जो यंत्र होता है और सरस्वती जी का जो फोटो फ्रेम होता है, इनमें से कुछ भी परचेज भी कर सकते हैं अगर आप अपने मंदिर में लगाना चाहते हैं या आप कहीं भी लगाना चाहते हैं। वैसे मंदिर में ही लगाना चाहिए उनको, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके सिवा जैसे मंत्रों की बात हमने कर ली, डायरेक्शंस की बात कर ली, अगर हम क्रिस्टल्स के ऊपर आते हैं तो क्रिस्टल्स में बेस्ट क्रिस्टल जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छे होते हैं कि जिनको पहनने से हमारा दिमाग एक चित होता है, वो है एमेथिस्ट और फ्लोराइट। ये फ्लोराइट और एमेथिस्ट अगर आप पहनते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है आपकी कंसंट्रेशन में। अगर आप इसको पहन नहीं सकते हैं ब्रेसलेट फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, तो आप कोई भी एक रफ रॉक एमेथिस्ट का या कोई एक जियोड एमेथिस्ट का, जो कि हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप वहां पर अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। जो 2 नंबर वाला मैंने उपाय बताया वो बिल्कुल रामबाण इलाज है, उसको जरूर कर लीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और मदर एंड फादर, इनको बहुत अच्छे से प्यार देना, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सुबह सुबह अगर आप उठ के अपने पेरेंट्स के पैर छूते हो और उनसे आशीर्वाद लेते हो तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना उसमें भगवान भी आपके साथ होते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स आप जरूर लेंगे और ये सारे जो टिप्स हैं फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, भगवान करे आप सभी के एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे जाए, बहुत अच्छा आप रिजल्ट लेकर आए। मुझे जरूर कमेंट पे शेयर कीजिएगा जो लोग भी ये टिप्स फॉलो कर रहे हैं।